गिरिडीह का प्रमुख पर्यटन स्थल घंडोली में गुरुवार को समाज सेवी असलम और पत्रकार मोहम्मद चांद के तरफ से वनभोज का कार्यक्रम कराया गया। वनभोज में शहर के विभिन्न इलाकों से आए लोग काफी लोग शामिल हुए, जिसमें सभी वर्ग और समाज के लोग मौजूद थे। बताया गया कि यहां लगभग 200 की संख्या में लोग शामिल होकर सामूहिक खान पान का लुत्फ उठाया। इस दौरान मुख्य रूप से इश्तियाक अहमद उर्फ लालो, आजाद खान, केसर खान, साबिर कुरैशी, जावेद कुरैशी, रुस्तम कुरैशी, जावेद असलम राजा, शमीम आदि शामिल हुए। कंडोली में असलम जी के द्वारा एक बहुत बढ़िया पूरे गिरिडीह शहर के नौजवानों को इकट्ठा करके बहुत ही भव्य तरीके से प्रोग्राम का आगाज किया, जिसमें सभी वर्ग के लोग थे। इसमें निस्वार्थ होकर के हिंदू मुस्लिम सब एकताई दिखाए और हमें इस बात की बहुत बहुत खुशी है कि हमारे गिरिडीह के एक नौजवान उभरता हुआ सितारा ये है और इनके एक आवाज़ देने से पूरा तमाम गिरिडीह के नौजवान एक प्लेटफॉर्म में आकर के आज इस पिकनिक में अपना योगदान दे चुके हैं। इसे ये झलकता है कि हमारे असलम बाबू के साथ गिरिडीह के लगभग नौजवान शामिल हैं और हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि आने वाले नेक्स्ट टाइम में असलम बाबू और ज़्यादा तरक्की करें और ज़्यादा लोगों का सहयोग इनके साथ रहे। और इंशाल्लाह मैं भी आप लोगों को चैनल के माध्यम से ये वादा करता हूँ कि जब और जिस चीज़ का ज़रूरत असलम जी को पड़े तो एक तत्पर मैं खड़ा रहूँगा इनके लिए। छोटा मोटा प्रोग्राम रखे थे जो खंडोली डैम में था, खाने का प्रोग्राम था, जिसमें से आज हमारे बीच जितने सारे दोस्त लोग आए हैं, बहुत सारे दोस्त लोग हैं और यहाँ हमारे चचा इश्तियाक लालो और सिटी न्यूज़ चांद और आजाद खान और चीमा और भी बहुत कोई रुस्तम कुरैशी सब आए हुए हैं। इतना भीड़ आया, हमारे भाई लोग आए हैं। आज हमको बहुत खुशी हो रहा है कि आज हम एक छोटा मोटा प्रोग्राम में इतने सारे हमारे चाहते लोग आए हैं और अगर इसी तरह हमारे साथ रहे अगला साल इससे चढ़ बढ़कर हम हिस्सा लें।